साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल, ये इस देश का गौरव है, हमारा गौरव है। तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी, प्रयास करेगी। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, हॉयसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अभी एक ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिज्म के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं। ये टूरिज्म डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है, इसके आधार पर अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक्ट करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और विदेशी टूरिस्टों को भी आकर्षित करे उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है। टूरिज्म वो सेक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। टूरिज्म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है। भाजपा इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा। भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आर्थिक मदद देने की योजना बनाकर आएगी।